कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी बिजनौर पहुंची, जहां पर उन्होंने बवाल में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवार से मुलाकात की। ये देखिए प्रियंका गांधी जो है बिजनौर पहुंची हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आ रही है। हमने इसके पहले भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से प्रियंका गांधी एनआरसी और सीए को लेकर अपनी बात रख रही थी। जिन प्रदर्शनकारियों के मौत हुई है उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए बिजनौर पहुंची हैं कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 20 दिसंबर को नजीबाबाद, नहटौर और शहर क्षेत्र के काफी जगह पर उपद्रवियों की ओर से कई जगह पर आगजनी की गई थी। हिंसा में नहटौर क्षेत्र में 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रियंका गांधी ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी है और बातचीत की है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि ये बिल देश हित में नहीं है, जीडीपी इतनी नीचे कभी भी नहीं गई, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और जब लोग इस तरह का कानून नहीं चाहते हैं तो सरकार क्यों इस कानून को लागू करने पर आमादा है। देखिए वहां पहुंचकर, बिजनौर में पहुंचकर जो प्रदर्शनकारी जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हुए, परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए, जितने प्रदर्शनकारी जो है वो चोटिल हुए हैं उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करती कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी प्रियंका गांधी पहुंची हैं और जब जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो पहुंचती हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में धन्यवाद रैली करते हुए सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया, उसके बाद कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं बिजनौर पहुंचती हैं और यूपी में जिस तरह से हमने हिंसक प्रदर्शन देखे, कई जगह से खबर आई कि हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं, उपद्रवियों ने तांडव मचाया है, उपद्रवियों की हालांकि पहचान की जा रही है, यूपी की सरकार भी सख्त है कार्रवाई को लेकर और अब सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं, उपद्रवियों की तस्वीर जारी की जा रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ नामजद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और कुछ अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और लगातार जिस जिस इलाके में सीसीटीवी अवेलेबल है वहां सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जब संपत्ति जब्त करने की बात होगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जो उपद्रवी जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनकी संपत्ति जब्त कर सरकारी संपत्ति की जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई की जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वीडियो फुटेज बहुत काम आएंगे कोर्ट में। तो लोगों से जाकर मुलाकात कर दी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी में हुए हिंसा में जितने प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से पहुंचकर मुलाकात करती हुई प्रियंका गांधी और साफ तौर पर जहां पर भी वो रुक रही हैं उनसे मीडिया कर्मी कुछ पूछना चाह रहे तो वो यही कह रही हैं। प्रधानमंत्री जी और सरकार उसके उससे ध्यान बहकाने के लिए उन्होंने ये सारा कानून निकाला जिससे आज आपने देखा इस कानून का देश भर में विरोध है, हर जगह विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री और सरकार सुनना भी नहीं चाहते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो असली मसले हैं उन पर ध्यान दें और इस पर ध्यान दें कि विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, कि इस देश की जनता क्या कह रही है, ये कानून नहीं चाहिए इस देश को। तो कांग्रेस के महासचिव कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए कि सरकार जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, विद्यार्थियों की बात को अनसुना कर रही है सरकार। रोहित आप कंटिन्यू कागज दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नहीं तो हम आपकी नागरिकता नहीं मानते। मैं मोदी जी कहते हैं भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है किसी को। मैं मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री साहब की रैली है तो मैडम उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ जी मैम, आप अकेले मत, मैं ये कहना चाहती हूँ अर्थव्यवस्था डूब रही है, जीडीपी इससे कभी नीचे नहीं गई है, जितनी इतनी है उतनी नीचे है, आज बेरोजगारी हद से बाहर है। प्रधानमंत्री जी और सरकार उसके उससे ध्यान
बहकाने के लिए उन्होंने ये सारा कानून निकाला, जिससे आज आपने देखा इस कानून का देश भर में विरोध है। हर जगह विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री और सरकार सुनना भी नहीं चाहते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो असली मसले हैं उन पर ध्यान दें, और इस पर ध्यान दें कि विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, कि इस देश की जनता क्या कह रही है। ये कानून नहीं चाहिए इस देश को। यहाँ पर नेटवर्क में एरर बहुत ज्यादा। मैडम दो मिनट, मैडम एक मिनट चाहिए, थोड़ा सा मैडम दो शब्द। क्या अचानक प्रोग्राम लगा, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में? मुझे कल इतला हुई थी कि उत्तर प्रदेश में काफी लोगों का बिहार हुआ है, तो मैम नागरिकता बिल कानून के लिए विरोध हो रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? दिखाओ ना मुझे दो। बहुत बहुत अजीब परिस्थितियों में हुई, मैं सुन रही थी परिवार से, खासतौर से उस परिवार से, लोग और आईसीयू में भी है, बता बहुत अजीब परिस्थितियों में, और मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्वायरी हुई। मैडम यहाँ उल्टा किस तरह से हुई है, क्या हुआ है? मैडम यहाँ उल्टा 2500 लोगों पे और मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 60 नगद। बल्कि जो उसमें परिवार के सदस्य हैं, मुझे बताए थे कि जब वो FIR दर्ज करना चाह रहे थे, तो उनको बताया गया कि आप दर्ज करोगे तो आप पर मुकदमा लगेगा। इस तरह की चीज़ तो ये गैर कानूनी चीज़ है। मैम किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सब पता चले।